हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गोवर्धन महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैं यहाँ पर दीपक जला रही हूँ और पांच दिए बनाए, एक दिया जला के नीचे बना रही हूँ। हमारी सोसाइटी में ना नीचे मतलब गोवर्धन बनाया है और सभी लोग जो गोवर्धन को मानते हैं, जो पूजा करते हैं, वो अपना दीपक और हल्दी वगैरह जो भी है वहाँ पर जाकर जला के और यहाँ पूजा करके आ सकता है। तो यस, मैं जा रही हूँ नीचे और अभी मैं अपने घर में दीपक जला के गोवर्धन महाराज की कहानी पढ़ के तो मैं जा रही हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं गोवर्धन जी की। तो चलो ठीक है, अब मैं जाऊँगी जब नीचे तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे होगा, वहाँ पर क्या होगा। भोग लगाया जाता है और अपने सब अतिथियों को सहित भोजन किया जाता है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों के सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उनके कदापि नहीं जलाना नहीं चाहिए। इसके सिवा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने जो ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की, तो ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और गोवर्धन महाराज की वीडियो बहुत लेट जा रही है, आई नो। और अभी दिवाली की मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, तो ऑब्वियसली इसके बाद गोवर्धन की जाएगी और इसके बाद मेरी भैया दूज की वीडियो भी आने वाली है। सो फ्रेंड, मैं नीचे आ गई थी, वहाँ मैंने कहानी पढ़ी थी सबसे पहले। और गोवर्धन महाराज जी हमारे नीचे सोसाइटी में बनाए थे ग्राउंड में, यहाँ पे आंटी जी बना रही थी गोवर्धन महाराज। तो आज के दिन मुझे गाँव की बहुत याद आ रही थी। तो वहाँ बनते हैं गांव में इस तरह से, सभी के घरों में अपने अपने घरों में सब बनाते हैं और शाम को पूजन होता है। तो यहाँ पे फिर वही मैं देख के मुझे याद भी आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। आंटी लोगों से मैं बात कर रही थी और यहाँ मैंने कैप्चर कर लिया था। और ट्रेजडी मेरे साथ एक्चुअली ये हो गई थी कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज हो गया था फुल, तो हस्बैंड जी के फ़ोन से बनाई थी फिर मैंने वीडियो। क्या हुआ ना, मैंने इतना अच्छा सब जब परिक्रमा की थी गोवर्धन महाराज, तो यहाँ पर जब पूजा के बाद ना सभी ने मिल के यहाँ पर परिक्रमा की थी और इतने जयकारे के साथ और बहुत इन्जॉय किया था। सच में इतनी अच्छी सी क्लिप थी वो, और मुझे बाद में पता चला कि वो कैप्चर ही नहीं हुई, और वरना तो बहुत इन्जॉय करने वाले थे आप भी, और वो मेरी याद भी रह जाती है। और इतना अच्छा लग रहा था ना, सभी बहुत जयकारी के साथ परिक्रमा कर रहे थे, बट कैप्चर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जो भी था ये आंटी यहाँ बना रही थी, थोड़ा अंधेरा हो रहा था पर लेट भी हो गए थे, तो यहाँ गोवर्धन महाराज की बन रही है, मतलब गोबर से इस तरह से यहाँ उनकी प्रतिमा बनाई गई है और उनके फूल पत्तियों से सजा के फिर उसके बाद उनका भोग प्रसाद लगा के। और एक आंटी है, वो सॉरी आंटी जी थी, उनके बहू बेटे भी आएंगे बाद में अन्नकूट का प्रसाद वगैरह लेके, तो वो भी सब यहाँ पे बटा था प्रसाद भी। और चलिए फिर आप वीडियो को इन्जॉय करते रहें गाइस, आगे भी टाइम में देखो क्या होता है। शिवांश दूर हो जा, कितने गोवर्धन बना लिया आपने। शिवांश दूर हो जाओ, ये गोवर्धन जी के हाथ।
फ्रेंड्स ये समझ रहे होंगे आप, अरे अचानक मैं कहाँ चली गई, तो मैं कहीं नहीं गई हूँ, ये गांव की वीडियो है, मैं एक्चुअली व्हाट्सएप वीडियो थी ये, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। ये गांव की रात की थी, ये गोवर्धन वाले दिन की, तो ये वहाँ पे इतनी मेरी दोनों सिस्टर हैं, छोटी सिस्टर और बड़ी दीदी हैं भावना दीदी, सो ये इतना डांस कर रहे थे ना, मस्ती कर रहे थे गोवर्धन वाली नाइट में, ये तो ये डांस कर रहे थे, तो ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ऐड कर लिया, और आपको भी अच्छी लगेगी, आप भी इंजॉय करें गाइस। तो ये एक्चुअली आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे बताना पड़ा कि ये गांव की वीडियो थी, दीदी गई हुई थी गांव में, तो गोवर्धन वाली नाइट की ये वीडियो है, और इन्होंने डांस किया था काफ़ी मस्ती वाला, और मैं बस देखे जा रही थी यहीं से, यहीं इंजॉय कर लिया है मैंने तो, और मेरे साथ आप सब भी करिए। यस गाइस, बताना कमेंट में कि किसका डांस ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये येलो फ्रॉक में है शैली और